रात कार में हरकत करते हुए एक युवक का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि युवक कवर चढ़ी हुई कार पर पेट्रोल डालकर आग लगा रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तफ्तीश करना शुरू की तो आग लगाने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। देखिए वीडियो। इनको मेरी घर से तो जानकारी मिली थी, कार में आग लगा दी किसी व्यक्ति ने। हम स्पॉट पे पहुंचे तो कार का पिछला हिस्सा और अगला हिस्सा दोनों जल गया। फिर फरियादी जो है मनीष मौर्य, जो प्रिंस नगर कुशवाहा में रहता, उसने मैंने उससे पूछा कि तुम्हें किसी भी शक है क्या, तो उसने एक दो नाम बताए थे कि शक है। उसमें एक चुच्चू नाम के लड़के का भी उस नाम आया था, सागर साहू, जो घर के पास में ही रहता। लेकिन वो सागर साहू के अलावा भी कोई दूसरा व्यक्ति उसमें शामिल है, ऐसा उसका शक था। फिर उसके यहाँ कैमरा लगा था, तो हमने आज फुटेज देखे तो उसमें जो व्यक्ति था उसने चेहरे के ऊपर पूरा टॉवल लपेट रखा था। फिर उस फुटेज को हमने डेवलप किया हमारी टीम ने, तो फिर जो मुख्य आरोपी जिसने आग लगाई थी उसको पकड़ा। उसका नाम रवि उर्फ दीनू, पिता रविनंदन राजपूत है और ये वहीं ए सेक्टर में रहता है कुशवाहा नगर में। दिवाली के दिन कुछ बम फोड़ रहे थे ये लोग, चुच्चू और ये जो रवि है, ये दोनों बम फोड़ रहे थे। तो एक बम उसकी गाड़ी के पास रख के फोड़ दिया था, तो उसने मना किया उस बात को लेकर, इनके बीच में विवाद हुआ और उसने इसको माँ बहन की गालियाँ दे दी थी। तो चुच्चू ने बोला कि तू तो इसकी गाड़ी में आग लगा दे, वही तरीका है। तो इसने चुच्चू ने उसको बोला एक घंटे पहले कि इसकी गाड़ी में आग लगा देना रात में, तो उसने आके रात में पेट्रोल डाल के उसमें गाड़ी में आग लगा दी। नहीं, बाहर गाड़ी तो घर के बाहर खड़ी थी, घर में भी आग नहीं लगी, परिवार को भी नुकसान नहीं हुआ। मुकदमा कायम है, उसमें दोनों आरोपी जो है, हमारा एक मुख्य आरोपी वो अरेस्ट है, उसका साथी जो है जिसने उसको आग लगाने के लिए उकसाया था, चुच्चू उपसागर जो है, वो उसको भी गिरफ्तार करने बाकी है।